किसान की न्याय के देवताओं के नाम पाती, ये वॉइस पिटीशन है, मैं ज्ञापन पढ़ रहा हूँ। नोटबंदी में देश का किसान भी है राष्ट्रभक्त। नकली नोट जमा होने की पूर्व में ही देती थी चेतावनी। ये जो ज्ञापन है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने की नोटबंदी पर साजिशें, और इन साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए ही इस ज्ञापन को देश के नाम, जो देश के जो न्याय के देवता हैं उनको प्रेषित किया जा रहा है। क्या देश का किसान राष्ट्र विरोधी है? देश में राष्ट्रभक्ति का राजनीतिकरण किए जाने की प्रक्रिया में किसान राष्ट्रभक्ति के दायरे से बाहर हो गया है। राष्ट्रीय विकास और विकास की धारा से जुड़ा किसान आज भी देश में राष्ट्रभक्त है और राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दे रहा है। नोटबंदी पर किसानों को अलग थलग किए जाने का राजनीतिक प्रयास अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की साजिशों, षड्यंत्र का पर्दाफाश कर रहा है। किसानों के पेशेवर संगठन कंसोर्टियम ऑफ कल्टीवेटर्स ने नोटबंदी पर 6 से अधिक लेटर पिटीशन याचिका और यूट्यूब पर 10 से अधिक वॉइस पिटीशन जनहित में राष्ट्र के नाम प्रेषित की है। देश के प्रधानमंत्री को प्रेषित की लेटर पिटीशन है, याचिकाएं, देश के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कैसी दिखाई संजीदगी? आज कहते हैं अटॉर्नी जनरल, देश का अटॉर्नी जनरल कहता है कि ये सब राजनीतिक याचिकाएं, किसी भी किसान संगठन और दूध वाले ने याचिका नहीं लगाई। यहाँ पर देश के किसान संगठन ने जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन सबको जो याचिकाएं भेजी, राष्ट्रपति जो याचिकाएं भेजी वो किसान संगठन के माध्यम से भेजी गई। तो आज इन याचिकाओं पर कैसी कार्रवाई संचालित की गई ये देखें। किसानों ने दिनांक 19/11/2016 को पहली याचिका प्रेषित की, जहां ईमेल वहीं पोस्टल डाक से लेटर पिटीशन याचिका प्रेषित की। दिनांक 22/11 को स्पीड पोस्ट क्रमांक EI 786/559-184 IN से प्रेषित की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ईमेल पर भेजी लेटर पिटीशनों को और दर्ज की, और प्रधानमंत्री कार्यालय ने पोस्ट में जो लेटर पिटीशन भेजी उसको कहाँ भेजा, इसका कोई उत्तर नहीं दे रहा है। आज जो भी समस्या है वो ये है कि देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश का वित्त मंत्री और RBI गवर्नर तथा देश का सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो पूर्वाग्रह से किसानों की याचिकाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं, किसानों की याचिकाओं को अन्य विभागों को भेज रहे हैं और उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिससे देश का किसान पूर्णतः हतोत्साही हो गया है। और वो किसके सामने जाए, क्या राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने जाए, किसके सामने अपनी बात को रखे? न्याय का देवता अब कौन है, ये स्थिति बन रही है। तो क्या स्थितियों को कौन समझेगा जब देश का न्याय व्यवस्था ही सुप्रीम कोर्ट पूर्वाग्रह से घसीट होकर किसानों की याचिकाओं को निरस्त कर रहा है और उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो ये नोटबंदी पूर्णतः असफल ही हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि नोटबंदी पर देश में दंगे भड़क सकते हैं, तो क्या देश का सुप्रीम कोर्ट, उसका चीफ जस्टिस जानबूझकर किसानों की याचिकाओं को खारिज कर देश में दंगे कराना चाहता है? और इस अगर दंगे होते हैं तो उसका संपूर्ण जिम्मेदार ये देश का जो चीफ जस्टिस है ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट है, वो जवाब दे रहेगा।